चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। खूब सारा वीडियो आएगा, खूब सारा मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। हेलो, ओह व्हाट अ को एक्सीडेंट लेडीज। कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज बउआ बोल रही हूँ। दीदी किससे बात करनी है? आपसे दो मिनट चाहिए था। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ दो मिनट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं। फोन काटेंगी? बिल्कुल प्लीज। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। माँ को फोन करना, अरे उल्लू का बट्टा। क्या पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके, सामने आ जाएगा तेरे। एक बार दो बार 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 परेशान करना। एक मिनट बस, कोई एक मिनट नहीं है, फोन रख दीजिए। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोले, दीदी बोले, आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। सब बोल, क्या बोलना है? बोल, टाइम नहीं है। देखिए गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल, क्या करूँ फिर? और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा। और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी। और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा। यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा। यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं गलत बोल। मैं इतने तमीज से बात कर रहा हूँ, आप क्या कर रही हैं दीदी? हेलो, ये सीमेंट हंस रही है आप, मन में हंस रही है आप, आपकी हंसी हंसी झूठ रही है। तो ये जो अपनी बातें बता रहे हैं ना, मुझे बनावटी बातें। बनावटी नहीं है आप, एक सेकंड। मेरे पापा ने मकान लिया लेकिन मेरी माँ ने उसे घर बनाया। घर भी सीमेंट से बनता है और घर औरत से भी बनता है, यानी औरत सीमेंट की तरह होती है, यानी पत्थर होती है। सीमेंट की बोरियां ले आपने घुसा। एक चीज बताइए, आप बीच में हंसी थी या नहीं हंसी थी? बस हंस रही है, बहुत बढ़िया। रख दे नीचे, रख देता हूँ मैं। सीमेंट में क्या होती है? सीमेंट अपनी माँ को दे, अपने में घुसा ले। हंस भी रही है, गंदा भी बोलनी चाहिए। हेलो हेलो जी। हेलो, हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। एक सेकंड रुकिए आप, जल्दी। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, धीरे चलोगे बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब? मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, हमारा गैस वायरलेस है, ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारा ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ नेट करप्ट नेता हैं वो सेमलेस हैं, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू गॉडलेस रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना गंदा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ, चाटा एक से। हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने जा रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा, मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। तो मैनरलेस मैन, मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे को, पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांग पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चढ़। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? भगवान ने तेरे को नवाजा है या नहीं? सबके पास होती, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हो आप, सेमलेस। चला जाओ, चैट फोन रखो, मैं बात कर रहा हूं। गलत। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? मुझे तो आ रही है, लेकिन आप कौन बोल रहे? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, दो मिनट चाहिए समाज को कुछ कुछ मैसेज देने के लिए, समझाने के लिए। मैं अक्सर फोन लगाया करता हूँ लोगों को, आज आपका लग गया है। पिछले दो तीन लोगों ने काट दिया फोन, इसलिए बात नहीं हो पाई। दो मिनट में बातें खत्म, आप हो कि निपट लिए? हम तो है, लेकिन आपको कई लोग हैं जिनको हंसते वक्त गाल में डिम्पल पड़ता है, गड्ढे। हेलो यार, तो आपने मेरे को क्यों फोन करा? वही कह रहे हो, आपके पड़ते नहीं पड़ते? नहीं, आपने हमें क्यों फोन करा? ये एक सेकंड दे दो भाई साहब, यही समझा दूंगा, एक मिनट। कि जो ज्यादा हंसता है गाल में ज्यादा गड्ढे पड़ते जाते हैं, और अक्सर लोगों ने कहा है कि जो आदमी ज्यादा हंसता है अंदर से वो ज्यादा इमोशनल होता है, अकेले में रोता है। वो गाना भी था ना, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो,
क्या कहूँ है किसी को ऐसा कुछ नहीं किया जाता, मैं बता दूंगा। तो आदमी को गड्ढे क्यों दिए गाल में, देखो तो ज्यादा हंसने वाला अंदर से रोता है, अकेले में रोता है, और अकेले में ही आदमी कुछ ऐसे काम भी करते हैं जैसे वसीयत बनाने का काम, ओपनली करता नहीं है। अब वसीयत बनाते वक्त अगर वो रो रहा है तो सीधा वो आंसू की बूंद वसीयत पे गिरी, वसीयत खराब, जिसके नाम कुछ करना था घर वालों के नाम कुछ कर नहीं पाए, बेचारे आपके जाने के बाद घर से बेघर हो गए, वकील सारा कुछ लेके बैठ जाएगा। इसीलिए गाल में गड्ढे बनाता है भगवान, जिससे जब आंसू आंख से निकले तो गड्ढे में गड्ढे भर जाए। एक सेकेंड भगवान, भगवान नहीं भाई मुझे माफ कर दो, गड्ढे इसलिए बनाते हैं जिससे आंसू गड्ढे में भर जाए, नीचे वसीयत खराब न करे। ए भाई मिल लो जा रहा है इसलिए गड्ढे में पानी भर जाएगा, आंसू रुक जाएंगे, वसीयत खराब नहीं होगी। नहीं भाई। हेलो हेलो, कौन? नमस्ते अंकल। अरे बोल, कौन रहे? जी मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? मेरा पड़ोसी बहुआ। अरे मैं ही बहुआ, मैं तो को जानते नहीं। हाँ तो जानना, मैंने बताया कि मैं जानना है, पैन कार्ड नंबर दूँ? नहीं नहीं, काम बोल, अपना काम बोल। जान पहचान के लिए फोन भी नहीं किया, मैं तो सीधा काम पे आऊंगा। अबे तो काम बोल। चिल्ला रहे, क्रोध को पालने सी काशी कात्या आ जाएगा कात्या। सॉरी, मैं कह रहा था लोग कहते हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद नहीं करना चाहिए। हाँ ठीक कहते हैं। क्यों ठीक कहते हैं? छेद वाली थाली के कई फायदे होते हैं। फायदे होते तो मेरे को क्या फायदे बता रहा है? देखो अगर आप रसे वाली सब्जी खा रहे हो, तड़ी वाली सब्जी, और उसमें अगर मिर्च ज्यादा है, तो अगर छेद वाली थाली है तो छेद के रास्ते से वो पूरा का पूरा तड़ी जूस रस निकल जाएगा। तो मैं क्या करूं? तो मिर्ची ज्यादा नहीं लगेगी, इसलिए जिस थाली में खा रहे उसमें छेद करें। सुनिए, बाद में आप खाने के बाद उसे कील पे टांग सकते हैं दीवार में। एक सेकेंड, मम्मी उसे चलनी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, चांद देखने के काम आएगा चांद। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, फोन काट रहा हूं। फोन ही काटिए। एक सेकेंड, हेलो। बोल। आप एक थाली में एक से ज्यादा अगर छेद करते हैं हाँ। तो उसको आप टंकी में फिट करवा लो, शावर भी बन जाएगा। आप उस छेद हुई थाली का एक्सरे करवाइए। उस थाली का एक्सरे लोगों को दिखाइए और कहिए मेरे दिल में छेद है, पैसा चाहिए ऑपरेशन के लिए, पैसे भी मिल जाएंगे। तो हर जगह है थाली के बाद तेरे शरीर में भी बहुत छेद है। कहाँ? पीछे घूम। पीछे तो कोई नहीं खड़ा है। अरे पीछे नहीं, अपने नीचे। गले आदमी कान में भी छेद होता है, मेरी बात सुनिए। थाली को धोने में भी मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ झड़ने के नीचे जाइए और झड़ने के नीचे इसे रख दीजिए, धुल जाएगी। झड़ने और थाली का क्या लेना देना, और झड़ने के नीचे कौन ले जाएगा? झड़ने तक तो आप ही को ले जाने ना, अब सारी मेहनत मैं थोड़ी करूंगा। झड़ने को थाली को तेरी में डाल के ना इतने छेद कर दो, पता नहीं लगेगा कहाँ कहाँ से निकल रहा है। गंदी बात कट गए, मैं इसकी अनुमति नहीं देता। हेलो, के आगे तो बहुत कुछ सेट होता है, पर दोनों की माँ का साकी ना साकी को कंजा बोल गया। ये लीजिए लीकेज। इंसान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से टॉपिक आया है कि क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर है तो उनकी बेवफाई का रीजन क्या है, कारण क्या है। इसी पे बहू और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा, जरा सुनिएगा। हेलो, नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा बउआ, कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? दो मिनट लगेगा। अच्छा दो मिनट चाहिए? हाँ चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई, हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा। भाई साहब नोट बंद हो गए 500,000 के, और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता बेवफा। जागरूक इंसान, बहुत बढ़िया। समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है समाज में बैठते। तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी, वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी, आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने 1975 में वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव यू। पेड़ पे ऐसे चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब, खरोच के लिखा था। खरोच भाई साहब, आप हैं लाइन पे?
और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, सोनम गुप्ता लव यू मोस्ट। अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और नोट जो है बंदी हुई, नोट बंदी हुई, नए नोट चालू, नए नोट चालू। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, फिर जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, उन्होंने कहा ये नए नोट विकास के लिए, विकास के लिए। भाई साहब आप सुन रहे हैं ये खबर? ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा आई उसने सुनी रसोई। अच्छा, पूछा वो आटा छोड़कर भागी, कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इसी वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई। और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे, वो तो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की है। नए नोट विकास के लिए, और विकास के ना विकास मिला और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई सबका? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, द्रिमदल लाकड़ा। आप द्रिमदल लाकड़ा है? अरे लाकड़ा क्या, तेरी दे दूंगा लाकड़ा। नहीं नहीं, बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। बस करिए चर्चा, ये लाकड़ा जीते। इस बार की चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी पॉप लीला इलाका एक है, तो वहाँ भी एक ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा, उस ट्रेड फेयर में कटा पाइन एप्पल लेकर ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया फरोजी कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। अरे पगली, तो चनिया जी एफसी रॉकिंग नहीं होता है, गलत बोल रही हो ना, पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाले? शांत फोन करके बहुओं को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी फट से रिएक्ट करता है। भाई कोई बात सुनी है तो पहले उसको सुनो, उसके बाद बोलो ना। सुना, फट से रिएक्ट करेगा। बहुआ ने इस पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बहुआ? मैं बहुआ, आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ नहीं भाई, हेलो, दो मिनट, ओनली टू मिनट्स। यहाँ पे मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा, घर किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा, उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला। अच्छा, इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हुआ? फोन पे के कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं। लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी, मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने। अच्छा, फिर भी जेल हो गई। पर ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओ, तो क्या बात है, वाओ। एक बार 2 रुपए का वापस बोल, झापड़ मारूंगा। 2-2 रुपए सरासर नाइंसाफी नहीं, सुन तो। हाँ, जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ, बोल सरासर क्या है ये? तो सरासर ना इंसाफी, क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, हाँ, वो किसी के पॉकेट में रखी थी अपना। तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है सर? सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दी, पुलिस उल्टा मेरे को ही ले गई। अब बोल सड़ासर। अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलत फहमी हो गई थी भाई साहब। एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैंने सोचा मैं सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करेगा। ओ अंपायर, बस कर, अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें, मेरा करेगा फोन कर, क्या मारूंगा तो मेरी करेगा फोन जी, खुद के लिए, खुद के लिए ऐसा बोल रहे बेगैर है फोन? तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। मेरे कुछ नहीं। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बहुआ बनके आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता यार आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बता, वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है तो? आलस, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह डट कर उबा से आ जाए। तू पागल का बच्चा है क्या? इतने धीरे क्यों बोल रहा है, जोर से बोल। जोर से क्या, मैं भी तेरी मारूं यहाँ पर। सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं।
वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो वैसे तो नहीं है। पर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती लाके क्या करेगा? उखाड़ी नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। देयर वाज अ टाइम क्लबिंग शबिंग पबिंग। क्लब की शबिंग? अपनी शक्ल देखी है, लैटिन में बैठेगा ना, बाहर दरवाजा पकड़ के बैठेगा। डू नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द नॉर्मल मैन। सॉरी, तू शाहरुख खान नहीं है, तू बावली बावली बावली। कैसे बोल लिया दो इतना गंदा, आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ, तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दो, मैंने आलस बोला ना। इस आले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुड़ फुसुड़ में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं, इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा? वरना तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के बदले मार देता। कान को? हाँ, एक बार मुँह काले निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो, तू अकेले जा रहा है? तू अकेले क्यों नहीं जाऊँ? मैं अपनी बहू को लेके जा साथ। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो हेलो कर दे। हेलो, हाँ क्या क्या बात है भाई? फोन रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। क्या मैं क्या रुकूँ यार, फोन तुमने बुलाया, बात करो। अच्छा, ना क्या बात है? जी मैं बहुआ बोल रही, एक सेकंड रुकिए। मेरा बाप और मेरी पत्नी मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अरे प्रेशर डाल ले तो भाई, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो। हाँ ठीक था उन्होंने, अब उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने एक सेकंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ, मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ हनीमून मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया? अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि चल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिया। नहीं ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। अग्नि बुझा दूँ, ये सारी मेरी पत्नी है। हेलो, तेरी पत्नी है? तुम समझा, तुम समझ नहीं आता, तुम समझा जो। पापा अंकिल बोलो बेटा, बउआ इसको लेके जाओ। नहीं जाऊंगा, जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल, मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। क्यों बीड़ी पीना छोड़ दूँ? बीड़ी पीना छोड़ दे, बुरी बात की बात नहीं है, वो तो बुरी बात तो है, लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुँह लगाते हो? मैं बहू को शादी करवाई तुमने? हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। कर दे, तुम्हें ये तो मालूम था कि तुम्हारा लड़का हिलावा किसी लड़की की जिंदगी खराब कर दी? हिला नहीं, कल पंडित मांग के शादी करी। कल ये मॉल गया था बउआ, वहाँ से साड़ियाँ उठा के लाया, सारी साड़ी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ लाए थे, मेरी बीवी कौन अग्नि है? नहीं, मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अग्नि 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 करके समझे ना, मेरी आग लगा दूंगा खराब कर काम का टाइम है। हेलो जी, नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। क्या हुआ? सॉरी मैं बउआ बोल रही हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पे इतना भटक गए? तो नहीं भटकूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी, बात करनी है आपसे दो मिनट यार। तो मैं तेरे को जानदारी में बात क्यों करूँ? चल फोन रख। फोन नहीं रखना, आपको आपकी मम्मी की कसम। क्या क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अरे माँ की कसम कैसे दे रहे? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी कैसे दे रहा है? सॉरी, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने माँ की कसम, मैंने तेरे तेरे बाप की कसम। बाप की कसम देंगे आप मुझे? यार मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ पापा तो नहीं है, मतलब सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गलवाने के काम कर रहा है। मैं मरा आदमी? तो फिर तू तो कह रहा तेरा पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तू पहले बता था ना, गलत बोले जा रहा है? गलत कहाँ बोल रहा हूँ, मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया? देख के बताएगा नहीं कि मैं क्या बता? देख तेरी माँ की कसम, फोन काटा तो सॉरी, थोड़ा सुन लो। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा? हाँ, तो जिनको जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की, बाप की। अच्छा। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे
मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई, नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना, 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल की वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से करवा रहा हूँ। हेलो, मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है? अच्छा, पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा, तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ, माँ कसम वो हम ही से लेते हैं हमेशा। अच्छा, तेरे लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है। नर्स की क्यों बताइए? अबे तू बता, मैं क्या बता? क्योंकि उसको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है, नर्स पैदा करती है, तेरे में दिमाग है? नहीं, माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे इस पेज को सब्सक्राइब, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ये बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, खूब सारा वीडियो आएगा, खूब सारा मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। हेलो, ओह व्हाट अ गो एक्सीडेंट लेडीज, कौन बात कर रहे हैं? मैम लेडीज बउआ बोल रही हूँ। दीदी, किससे बात करनी है? आपसे 2 मिनट चाहिए था। आप मुझे जानते हैं? सिर्फ 2 मिनट चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जब जानते नहीं है तो बात कैसे करनी है? नहीं कर सकती आप? नहीं, फोन काटेंगी? बिल्कुल, प्लीज। हेलो हेलो, मैं बोल रही हूँ फोन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, माँ को फोन करना, अरे उल्लू का बट्टा, पुलिस आएगी ना घर पे डंडे लेके, सामने आ जाएगी तेरे, एक बार दो बार 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 परेशान करना। एक मिनट बस, कोई एक मिनट नहीं है, यहाँ फोन रख नीचे। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी जान की सवाल है तो फिर? अपनी बहन से बात कर। मैंने सिर्फ दीदी बोला आपको। अरे दीदी बोला है, पुत्री बोला? आपको दीदी बोला मैंने, जान की बात है। सब बोल, क्या बोलना है? बोलता ही नहीं है। देखिए गर्लफ्रेंड बड़ी रूड होती है। हाँ तो बोल, क्या करूँ फिर? और गर्लफ्रेंड को जान भी बोलते हैं। अच्छा, और रूड यानी पत्थर दिल। अच्छा जी, और जान यानी सीमेंट में जान। अच्छा, यानी सीमेंट भी पत्थर हो जाता है। अच्छा, यानी गर्लफ्रेंड पत्थर होती है। तो इससे साबित क्या करना चाहता है तू? यही कि सीमेंट में जान होती है। हाँ तो नहीं तो आप इतना पत्थर, सॉरी सीमेंट, सॉरी जान, सॉरी जान होगी तेरी माँ। नहीं गलत बोल। मैं